Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो सुबह के बज चुके हैं 8 और हमेशा की तरह दोस्तों आप लोगों के लिए हाफ एन आवर के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि हम हमेशा की तरह डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल का दैनिंदु, क्योंकि कल का दैनिंदु हम डिस्कस नहीं कर पाए थे. कल जो है ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर था वो कल लेट आया था, तो उसकी वजह से मैं कल आपका डिस्कशन नहीं कर पाया था. तो कल का और आज का दो दिन का न्यूज़पेपर है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी कुछ है जो कि आपको नया देखने को और सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो कर दो वीडियो को शेयर ताकि सभी बच्चे देख सके और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सके. ठीक है ना, चलो क्योंकि आपको मालूम है अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के ऊपर तो BHUNESH भुनेश 10 यूज कर सकते हैं. ये यूज करते ही दोस्तों आपको सभी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट के साथ में. मेरा अभी क्या चल रहा है, रेलवे में स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है, 111 टेस्ट NTPC के, जिसमें 30 आपको क्या मिल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, मैथ रीजनिंग जीके और GSK. IBPS PO मेंस की बात करें दोस्तों तो 30 तारीख को पेपर. अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट मौका है, ज्वाइन कर लेना. पुरानी वाली सारी PDF और आपको वीडियोस मिल जाएंगे डाउनलोड करने को. साथ में CGL में दोस्तों अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी हिस्ट्री शुरुआत ही करिए, 4-5 दिन ही हुए तो ज्वाइन कर लेना, पुरानी वाली PDF और वीडियो मिल जाएंगे. एक बार अगर आपने यहाँ से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर कर ली तो आप रेलवे के अंदर हो या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सब में आपके बहुत काम आएगी. ठीक है ना, चलो. और बिल्कुल यहाँ पे आज जैसे कि आप सभी को मालूम है संविधान दिवस है, तो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे. आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हमारा संविधान जो है वो बन गया था. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि संविधान की दोस्तों आप रक्षा करेंगे और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है आप उसको फॉलो करेंगे. आप लोगों को एक बात बता देता हूं दोस्तों कि जब तक आप लोगों ने शायद पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप वैसे है ना पॉलिटी और भुनेश लिखोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको पूरे लेसन पॉलिटी के मिल जाएंगे वैसे तो. और फिर भी अगर आपको पढ़नी है तो प्लस में मैं यहाँ पे कराऊंगा तो उसमें भी आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हो. जिस दिन आपने देश का संविधान पढ़ लिया ना उस दिन आप समझ जाओगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है. जो हमारे लॉ मेकर थे, जिनकी जो सोच थी, जो आइडियाज थे, जो देश को जिस तरीके से वो आगे लेके जाना चाहते थे, हर एक चीज के बारे में उस टाइम पे उन्होंने लिखा था. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी लेट बना है तो दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे सबसे हमने अच्छाइयां जो है वो ली और एक हमारे संविधान के अंदर डाली. हर तरीके का लॉ, हर तरीके की चीज है जो कि हमारे संविधान के अंदर है. जब वक्त बदलता है, सोसाइटी बदलती है, तो उसके हिसाब से हमें हमारे संविधान को भी बदलना पड़ता है. लेकिन जो कोर, जो बेसिक आइडियाज है, जो हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो शायद आपको दोस्तों बहुत कम देशों में देखने को मिलेंगे. और इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखा हुआ है. काफ़ी सालों पहले जब आई वॉज इन स्कूल, जब मुझे लगता था कि है ना बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो केसेस से छूट रहे हैं, क्राइम के केसेस से छूट रहे हैं, तब ऐसा लगता था कि शायद हमारा संविधान ही बहुत वीक है जिसकी वजह से क्राइम जो है इतना बढ़ रहा है, लोग जो है मर्डर करके भी छूट रहे हैं. लेकिन जब दोस्तों बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तब समझ में आया कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई कमी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, बस लोग जो है उसको तोड़ मरोड़ के है वो है यूज़ करते हैं. और आपको मालूम है कोर्ट कचहरी के अंदर जिस तरीके से बयानबाजी और बाकी चीजें चलती है, एविडेंसेस जो है वो मैनिपुलेट होते हैं, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह फंस जाता है और जो मुजरिम होता है वो बच जाता है. हमारे संविधान में एक जबरदस्त बात लिखी हुई है कि 100 गुनहगारों को छोड़ना हमारे संविधान को मंजूर है, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा देना ये हमारे संविधान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. हालांकि प्रैक्टिकली बात करें तो मैंने आपको बताया कि कई सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे संविधान का, जैसे कि सऊदी में देखोगे तो वहां पे गुनहगार को भी अगर आप फांसी चढ़ा दो, लेकिन मतलब समझ रहे हो, बेगुनाह को भी फांसी चढ़ा दो लेकिन गुनहगार नहीं छूटना चाहिए. हमारे यहाँ पे उल्टा है.
ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेगुनाह को काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है कि कोई जो है इनोसेंट आदमी जो है वो कभी भी किसी तरीके से परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन बात जो है वही वाली बात है, प्रैक्टिकली हो जाती है। लेकिन उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप संविधान पढ़ेंगे और संविधान के पढ़ने के बाद में उसका पूरा पालन करेंगे। हमारे ड्यूटीज, हमारे फंडामेंटल राइट जो कि देश के बहुत कम लोगों को पता है उनको बताएंगे। आपके अधिकार अगर आपको पता नहीं होंगे तो यकीन मानिए दोस्तों देश के अंदर जो बाकी लोग हैं, किसान लोग हैं, तो उनको तो क्या ही पता होगा अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद में अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो कभी भी कुछ भी ऐसा केस होता है जो कि आपको परेशान करता है या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में पढ़ा करो, उसके बारे में देखा करो क्या इसके लॉ के द्वारा कौन कौन से चीजें दे रखी है जिसके द्वारा आप उसको मुक्त करा सकते हो। समझ गए? अगर हमारे देश में सभी लोग एक आम जनता की तरह सोचते कि हमें क्या मतलब है, तो ना तो RTI आता, ना RTE आता और ना ही देश के अंदर कुछ और आया होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसका पालन करेंगे और आज के दिन के हमेशा इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देख में से कौन सा शहर 3 दिवसीय ग्लोबल बौद्ध संघ की मेजबानी कर रहा है और ये कहां पे? औरंगाबाद के अंदर जो है दोस्तों, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानियों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई है, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर 5 साल के लिए प्रतिबद्ध बढ़ा दिया है, यह 86 के अंदर स्थापित किया गया था। 8th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहां पे दोस्तों? इंफाल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। जनवरी मार्च 2019 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर दोस्तों 9.3 पर जो है वो पहुंच गई है, उससे पहले 9.8 पे थी, अभी तो थोड़ा सा 9.3 पे आ गई है। भारत का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। SDG 2030 को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा उत्पादों की पहुंच पर 2019 विश्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर करवाया जाएगा। और साथ में वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है। यार आधा घंटा देना है आपको, हाफ एन आवर आपके दोस्तों लाइफ के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो कि ये होगा, यकीन मानिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ना सिर्फ एजुकेशन से, एजुकेशन के अलावा भी एक किस तरीके से एक अच्छा सिटीजन बन सकते हो, एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे चीजें जो हमें करनी चाहिए वो सब चीजें, हर चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हर किसी बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ले सके। स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रहा है लेकिन आपके मोबाइल फोन पे मिल रहा है, तो कम से कम शेयर करके इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। किस राज्य ने 2019 में PMJSY के तहत देश में सबसे ज्यादा सड़क की लंबाई हासिल करी है? और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। चेन्नई में MMA अमलगमेशन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2019 किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है अजीज प्रेम जी ने। CBDT अध्यक्ष आयकर पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया, वर्तमान CBDT अध्यक्ष है जो कि मोदी जी है। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों मनोज बाजपेयी ने जीता है, ठीक है। ये मोदी जी है, मोदी जी नहीं है, ध्यान रखना, मोदी जी मत लगा देना, ठीक है। ये मोदी जी है, ये TVF वाले मोदी जी नहीं है। आगे बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों बंटी खंडेलवाल का कोट ऑफ द डे, नतीजे की कोई परवाह नहीं मुझे लेकिन प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। तो एक सिंपल सी लाइन, सिंपल सा स्टेटमेंट लेकिन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि भाई नतीजों की परवाह नहीं है मुझे लेकिन कोशिशें जो है वो एक होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नतीजे के पीछे जो है वो पागल हुए रहते हैं, नतीजे नहीं आ रहे। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय करना जरूरी होता है, उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन करना जरूरी होता है, स्मार्टली काम करना जरूरी होता है, नतीजे तो आ ही जाते हैं आज नहीं तो कल। मैंने आपको हमेशा कहा है आपका जो काम होगा उसका ही बाय प्रोडक्ट होगा आपका बाकी सब चीजें, जैसे कि जो भी आप चाहते हो, कोई आपका गवर्नमेंट जॉब है या कुछ भी है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो अपने काम को, स्मार्टली काम कर रहे हो, ये उसी का बाय प्रोडक्ट है। तो अपने काम के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट तो दोस्तों आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखेंगे कल का द हिंदू का फ्रंट पेज। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे बात हो रही थी फ्लोर टेस्ट को लेकर। आपको मालूम है जिस तरीके से उथल पुथल है जो कि महाराष्ट्र के अंदर बची हुई है, रात को 2:30 बजे तो जो है ऑर्डर पास किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि भाई जो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो हटाना है, और सुबह 5:30 बजे तक जो है वो हटा दिया जाता है। सुबह 7:30 बजे शपथ दे दिलाई जाती है और 8 बजे तक खबर आ जाती है कि फडणवीस जी क्या बन चुके हैं, CM बन चुके हैं।
ठीक है, तो बाकी सरकारें कि अभी तो भाई वो तो सीएम बन चुके हैं, अपना काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, लेकिन बाकी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने बोला कि भाई मेजॉरिटी को प्रूव करने को लेकर, समझ गए। तो ये तो कल की न्यूज थी, आज की देखेंगे आज क्या हुआ है ना, ये तो पुरानी हो गई है। ठीक है, और सारे जितने भी एमएलए थे सबको जो है 5-स्टार होटल के अंदर बढ़िया रखा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है। यहाँ पे आपको मालूम है इंडिया ने दोस्तों टेस्ट मैच जीत लिया, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे इस वाले पेज पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक बेंगलुरु के होटल के अंदर एक वर्कर को बाहर फेंक दिया गया, वो वाले न्यूज है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि एनएसओ के सर्वे को लेकर है, एनएसओ के सर्वे को लेकर है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इंडिया ने 2-0 से सीरीज बांग्लादेश से जीत ली है और 7th विक्ट्री है दोस्तों, लगातार 7 मैच भारत ने यहाँ पे जीत रहे हैं और लॉन्गेस्ट एवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट एवर ऐसा हुआ है कि भारत ने लगातार 7 टेस्ट मैच है जो कि जीते हैं। पहली बार दोस्तों जिन्होंने 4 कॉन्जिक्यूटिवली इनिंग से जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 4 बार तो पिछले मैच लगातार इनिंग से जीते हैं, यानी कि सेकेंड इनिंग खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 360 पॉइंट के साथ में 7 में से 7 मैच भारत के ने जीत के नंबर वन पर है। अगला टेस्ट मैच इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड में खेलेगी फरवरी के अंदर 2020 के अंदर। अभी न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो अपने बॉलर्स और बैट्समैन का रियल जो है वो टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया की सबसे तेज पिचेस है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलती है। इंडियन टीम पहले के जमाने में, आज की बात नहीं कर रहा, पहले के जमाने में तो जाती नहीं थी न्यूजीलैंड, मतलब ये इस वजह से क्योंकि वहां के पिचेस में 100-150 रन से ज्यादा बनते ही नहीं थे। ठीक है, एकमात्र कोई सहवाग और द्रविड़ है जो कि वहां पे खेला करते थे, बाकी पूरी टीम 50-60 रन पे सलट जाती थी। अभी देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस इस बार क्या रहती है, पिछली बार भी धोनी के अंडर में गए थे तब भी परफॉर्मेंस वैसे काफी अच्छी थी। आगे बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ जो है दोस्तों, उन्होंने सर्वे किया सैनिटेशन को लेकर और जो मोदी जी का क्लेम है उससे जो है वो उतना जो है वो रियल डाटा जो है इनको नहीं मिला है। एक्चुअली के अंदर आपको मालूम है अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी ने 2 अक्टूबर को 2019 को क्लेम किया था कि इंडिया जो है वो 100% ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है। ठीक है, ओपन डिफिकेशन यानी कि खुले में पूरी तरीके से शौच मुक्त है, जिसको अपन ODF कहते हैं, वो हो गया है। अभी एनएसओ ने सर्वे किया दोस्तों और इन्होंने पता किया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफी अच्छी प्रोग्रेस है जो कि हमको टॉयलेट के अंदर देखने को मिली है, काफी अच्छी प्रोग्रेस हमको देखने को मिली है, स्पेशली ग्रामीण भारत के अंदर हमको काफी अच्छी प्रोग्रेस है जो कि देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो 71% है जो कि डाटा निकल के आया है, यानी कि 100% से अभी भी हम दूर है। और जो बच्चे गांव में रहते हैं वो तो उनको तो पता भी होगा रियलिटी कितना 100% है। ठीक है, तो सेंटर ने क्लेम किया था 95%, मोदी जी ने 100% और अभी एनएसओ का द्वारा 71% है जो कि आया है, समझ गए। इसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों किस राज्य में सबसे ज्यादा नहीं है, तो उसके नहीं होने में तमिलनाडु जो है वो नंबर वन के ऊपर है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नहीं है, यानी कि नहीं होने का परसेंटेज जो है तमिलनाडु में ज्यादा है, समझ गए, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान यहाँ पे भी 100% नहीं पाया गया है, जो कि पहले बोला गया था कि ये तो उनका काफी पहले 100% हो चुका है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये पूछेंगे कि एनएसओ के सर्वे के हिसाब से, ठीक है, हमारे जो ODF क्लेम है वो कितना हुआ है, ODF परसेंटेज कितना है, तो आपको 71% ध्यान रखना है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 और यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो छत्तीसगढ़ की न्यूज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, आपको मालूम ही है जो हर जगह प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे न्यूज है। इसके अलावा पंजाब बोल रहा है कि हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, MOU के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है MOU में से 90% तो फेल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बात करें और यहाँ पे फार्मर जो है हायर कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं हरियाणा महाराष्ट्र में। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कैबिनेट ने उसने अप्रूवल दिया है नॉमिनेशन करने को लेकर, एक डिफरेंटली एबल मेंबर है जो कि उनके हर एक पंचायत में होगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक डिसेबल्ड कोटा जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसा करने वाला ओनली स्टेट है हमारे देश में। ठीक है, तो हर एक पंचायत के जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से एक कोटा होगा जो कि डिसेबल के लिए होगा। और ऐसा बोला गया कि टोटल पॉपुलेशन में 6% लोग है जो कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के अंदर, समझ गए। और पहले मैनिफेस्टो में भी ये घोषणा करी गई थी इन्होंने कि अगर ऐसा होता है सरकार बनाते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक पंचायत जो है वो डिफरेंटली एबल्ड एक मेंबर है, या तो इलेक्टेड होगा या फिर नॉमिनेटेड होगा, लेकिन होगा जरूर, इलेक्ट्रोल प्रोसेस के थ्रू जो है जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है।
जो कि पंच के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, मतलब एज ए पंच उसको नॉमिनेट किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल पूछेंगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा दोस्तों और बता दीजिए मेरे को यहाँ पे गवर्नर कौन है अभी छत्तीसगढ़ के, बाकी सब ठीक है। अनुसुईया जी है जो कि अभी वहाँ पे गवर्नर है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। भूपेश जी है जो कि वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर है, कोई 2.5 करोड़ के आसपास की वहाँ पे पॉपुलेशन है, 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था इसका, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा की दोस्तों कितनी, 90 सीटें हैं जो कि आपको विधानसभा की देखने को मिलती है, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की यहाँ पे 11 सीटें देखने को मिलती है। समझ गए? यहाँ की स्टेट की जो लिटरेसी वो 70% के आसपास है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ पे चलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7 और यहाँ पे हमारे लिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, तो एक तो स्विस बैंक के अकाउंट के अंदर पहले जो थी ना मूवी आई थी मैंने प्यार किया कि जो हीरोइन है ना, तो वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, संगली रॉयल से, तो उनके अकाउंट पे यहाँ पे जांच पड़ताल है जो कि किए जा रही है, ठीक है। भानुश्री भाग्यश्री नाम था शायद आई गेस इनका, भाग्यश्री कुछ ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इनके बारे में बात करेंगे, एक ये वाले न्यूज के बारे में बात करेंगे, दो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दलाई लामा का कहना है कि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन फेथ टू अंडरस्टैंड बुद्धा, ठीक है, तो नॉलेज ज्यादा जरूरी है आपके फेथ से, ओके समझ गए। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बिलीव और फेथ, ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग है। चलो ठीक है, किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप लोग मेरे को एक बार एक कमेंट के अंदर बताइएगा कि बिलीव का मतलब और फेथ का मतलब क्या होता है, आपका क्या मानना है, बिलीव होना चाहिए इंसान को या फिर फेथ होना चाहिए, बिलीव सिस्टम इंपॉर्टेंट है या फेथ सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नैरो गेज लाइन को लेकर, ओके। तो यहाँ पे लास्ट सर्वाइविंग नैरो गेज लाइन है जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है, 106 किलोमीटर के दोस्तों, इटवारी और नागबीड़ के अंदर, नागपुर के पास में है ये, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पार्ट है। तो ये 24 नवंबर को क्लोज कर दिया गया, फाइनली इसके ऊपर काम चालू हो गया है। तो आपको मालूम है दोस्तों प्रेजेंटली नैरो गेज जो है ऑलमोस्ट जो है वो जा ही चुके हैं देश से, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया की लास्ट लाइन थी 106 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में से भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है, ओके। प्रोजेक्ट यूनिगेज नाम से इंडिया ने एक इंडियन गेज नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें कन्वर्ट किया था नैरो गेज रेलवे लाइंस को पूरी तरीके से, समझ गए। तो कितने की होती है, 1 मीटर 0.767 की होती है आई गेस इनका जो पटरी की वेड्थ होती है, ठीक है। ये नैरो गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है 1.676 होती है आई गेस, और मीटर गेज जो होती है वो 1 मीटर की होती है, ओके इस तरीके से, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल ठीक है, और 0.676 भी नहीं होती आई गेस, 0.6 होती है, 0.6 मीटर होती है, 767 भी नहीं होती है, 0.6 मीटर होती है नैरो गेज की रेलवे की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि अपने यहाँ पे 13वां फिल्म बाजार। देखो हमारा जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है ना, उसी की साइडलाइन में, यानी कि उसी के पैरेलली एक NFDC भी हुआ है। NFDC इसको क्या बोलते हैं भाई, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये संडे को हुआ है और यहाँ पे नितेश हेगड़े की एक पिक्चर है दोस्तों पेड्रो, और अजीत सिंह की है इसका, ये तो जो मूवी है ये तो है नितेश की, नितेश इनका नाम है, नितेश हेगड़े। और ये जो स्विट्जरलैंड नाम की जो मूवी है ना, ये तो पेड्रो तो इनकी हो गई, और ये अजीत पाल की, अजीत पाल सिंह, तो इनको दोस्तों यहाँ पे लैब डी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, लैब सेक्शन के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा NDFC विप लैब, ये अवार्ड होता है, बड़ा अवार्ड है NDFC के अंदर, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात, इतनी सी बात है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो पुलिस ने डिक्लाइन कर दिया प्रोटेक्शन देने को एक्टिविस्ट को जो कि सबरीमाला के अंदर विजिट करना चाहते हैं, केरला मैन को 8 साल बाद यूनाइट किया गया, रेड्स लगाए गए ट्रैफिकिंग को लेकर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो यहाँ पे रेलवे इंस्टीट्यूट है जो कि हैदराबाद के अंदर ओपन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, सोशल न्यूज है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इंडियन रेलवे ने जो है काफी इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर, पर्सनल और बाकी चीजों को लेकर। तो एक रेलवे का इंस्टीट्यूट है जो कि बनाया जा रहा है हैदराबाद में,
समझ रहे हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेलवे यूनिवर्सिटी आपको मालूम है हैदराबाद में डेवलप करी गई थी और बोला जा रहा था कि इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। समझ गए, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लेकर बात करी गई और ये कहाँ पे हैदराबाद में सेटअप करने को लेकर बोला गया है। समझ गए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक टीचर है जो कि स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं और यहाँ पे साथ में दोस्तों वो ट्री डॉक्टर भी है, ट्री डॉक्टर। तो लोग आप देख सकते हो दोस्तों अपने पैशन को फॉलो करने के लिए काफी कुछ करते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि एक जोसेफ करके स्कूल है ना, केरला के अंदर एक जोसेफ स्कूल है, वहां पे एक पेड़ हुआ करता था मैंगो का, काफी बढ़िया काफी लंबा चौड़ा पेड़ था, मैंगो वैंगो उसके आया करते थे। काफी टाइम बाद में पेड़ की हालत खराब हो गई, पेड़ पूरा सूख गया, मैंगो वैंगो सब चले गए। बच्चों ने क्या किया, ट्री डॉक्टर को बुलाया, उसका नाम है के बीनू फ्रॉम केरला। ठीक है, तो ये क्या है, ट्री डॉक्टर है। ट्री का अगर कोई भी खत्म हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो ये आके उसकी इलाज करते हैं। इनके द्वारा बताया, ये कंजर्वेशनिस्ट है, स्कूल टीचर है बाय प्रोफेशन। ठीक है, और ये बताते हैं कि हमारे आयुर्वेद के अंदर एक होता है वृक्ष आयुर्वेद, जो कि एक रेयर ब्रांच है नॉलेज की, जिसके अंदर एशियन किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जिसमें किस तरीके से ट्रीज की जो है बीमारियों को आप सही करके वापस से ट्री को खड़ा कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो ये वही काम करते हैं। और ठीक है, और सीता सेवरम जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो इन्होंने पिछले 6 साल पहले ये काम स्टार्ट किया और काफ़ी सारे ट्रीज को जो है ये सही कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यार, और अच्छा लगता है अगर कोई इस तरीके से कोई भी अपना पैशन फॉलो करके कोई भी काम करता है सोसाइटी को लेकर। ठीक है ना, चलो, और न्यूज़ वाले ये सब नहीं दिखाते हैं, इसलिए अपना फर्ज बनता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो भी सोसाइटी में कर रहा है वो आप सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचे। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे है फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कैलाश जोशी, उनकी डेथ हो गई है। कैन बैटवा प्रोजेक्ट जो कि यूपी एमपी के अंदर है, और ये भी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सेंटर जो है इसको लेकर भी कुछ सीरियस नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी जो के लीडर और फॉर्मर मध्य प्रदेश के सीएम कैलाश जोशी की डेथ हो गई प्राइवेट हॉस्पिटल में, 90 साल के हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जनता पार्टी के सीएम थे, फर्स्ट जनता पार्टी के सीएम। ओके, 1997 से लेकर 78 तक जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, भोपाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12, मोदी जी ने तारीफ करी है सभी लोगों की, अयोध्या मुद्दे के ऊपर देश में शांति बनी रही, और ये वाकई में अप्रिशिएबल बात है कि पूरे देश के अंदर शांति रही और लोग काफ़ी समझदार है हमारे देश में, उनको मालूम है ठीक है ना कि इन चीज़ों के ऊपर जो है दंगे फसाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन और अच्छा काम इस बार, अच्छा लगा देख के कि एटलीस्ट कोई भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पे दोस्तों एक और डाटा आया है जो कि यहाँ पे बताया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने लोकसभा के अंदर जानकारी दी है और बताया है दोस्तों कि यूपी के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेट के अंदर पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो है पूरी तरीके से ख़राब है। मोस्ट नंबर जहाँ पे सेंटर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, गुड रोड नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो लोगों को लेके जाया जा रहा है, ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। तो यहाँ पे पूरा डाटा बताया गया है किन राज्यों के अंदर जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, इन चारों राज्यों के अंदर रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2018 के हिसाब से, हेल्थ सेंटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है दोस्तों। और यहाँ पे बाकी राज्यों की बात करें जो कि ठीक है, 50% डॉक्टर की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर बताई गई है, 50%। ओके, तो इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन योगी सरकार को आपको मालूम है उनके प्राइम एजेंडाज कुछ और ही है, और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा आगे चीज़ें नहीं बढ़ी पा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अलावा, जो जम्मू कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम, इनके भी हालत जो है वो कुछ खास है जो कि नहीं है। तो यहाँ पे मेजरली जो स्टेट की बात बताई गई है कि इनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कहीं पे वाटर सप्लाई नहीं है, कहीं पे मोटरेबल रोड नहीं है, कहीं पर डॉक्टर्स है जो कि नहीं है। आपको एक हमारे देश का डाटा बता देता हूँ मैं, एजुकेशन की प्राइमरी, यहाँ तो अभी बात करी गई है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, ठीक है ना, अभी हमने जो बात करी है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में बात करी है। प्राइमरी अगर एजुकेशन के बारे में भी अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे हर एक देश की जो फाउंडेशन होती है ना वो प्राइमरी एजुकेशन होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के दोस्तों 50% जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको टॉयलेट्स की भी सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, ये रियलिटी है,
समझ गए, स्कूल के अंदर ना कोई प्लेग्राउंड, चलो प्लेग्राउंड तो छोड़ा वो तो दूर की बात है, एक सही तरीके से टॉयलेट्स भी नहीं बने हुए, किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, क्यों बच्चे पढ़ेंगे, लड़कियां क्यों पढ़ने आएगी कि उनको जब कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। हमारे देश के दोस्तों 70% बच्चे हैं पांचवी क्लास के गवर्नमेंट स्कूल के जो कि दूसरी क्लास की बुक को रीड नहीं कर पाते हैं। ये हमारे प्राइमरी एजुकेशन के हालात है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे एक और डाटा बताया गया है दोस्तों जो कि UAPA का बताया गया है, मोर देन 35% जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत वो मणिपुर के अंदर देखने को मिले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डाटा के हिसाब से बताया गया है, राज्यसभा के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। 2017 के अंदर 330 केस और 2018 के अंदर भी काफी केसेस है जो कि देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा मणिपुर के अंदर, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, यूपी, बिहार, इस तरीके से है ना। मणिपुर के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है जो कि UAPA के तहत, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। ये UAPA क्या है मैं आपको कमेंट के अंदर वीडियो डलवा रहा हूँ, कमेंट के अंदर ये वाला देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कई सारे चेंजेस भी हुए हैं इसके अंदर, समझ गए। और सबसे ज्यादा अरेस्ट जो हुए ना लोग, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज के दिन की तरह। सबसे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है महाराष्ट्र का जो फ्लोर टेस्ट है उसके ऊपर आज फैसला लिया जाएगा। अभी 10:30 है जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि भाई मेजॉरिटी कब प्रूव करनी पड़ेगी, मेजॉरिटी जो है फ्लोर टेस्ट जो है वो कब होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, आपको 51% की मेजॉरिटी है जो कि दिखानी पड़ती है, समझ गए। 288 सीटें हैं ना यहाँ पे, तो 144+1 यानी कि 145 सीटें हैं जो कि एक पार्टी को यानी कि फडणवीस सरकार को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कब ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है, आज होगा, कल होगा, कब होगा, समझ गए। इसके अलावा आपको मालूम है दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था वो हटा दिया गया, सेक्शन 12 की जो पावर है ना, सेक्शन 12 है, समझ गए। ठीक है, बिजनेस रूल का, एक बिजनेस रूल्स है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के पास में भी ये पावर होती है कि वो भी क्या कर सकते हैं, कैबिनेट के अप्रूवल के बिना क्या कर सकते हैं भाई, रिमूव कर सकते हैं, समझ गए, प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं रिमूव करने को। तो वही यूज करके क्या किया गया था, इस बार हटा दिया गया प्रेसिडेंट रूल हाथों हाथ, सुबह के टाइम पे सारे काम हो गए, सारी पार्टियां चली गई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, भाई कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया एंड ऑल। लेकिन ये एक्चुअली मेंशन है वैसे सेक्शन 12 बिजनेस रूल के अंदर कि भाई PM भी क्या कर सकते हैं, अपनी पावर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर के पास में पावर होती है, कुल मिला के गवर्नर जो है उसके पास में किसको बुलाना है ना शपथ के देने के लिए और ये सब चीज़ें। अगर कोई मेजॉरिटी प्रूव करता है, बोलता है, लेटर देता है तो गवर्नर बुला देते हैं। तो अभी लेकिन गवर्नर ने टाइम ड्यूरेशन का कवा काफ़ी प्रॉब्लम था, मेजॉरिटी के लिए BJP को 2 दिन दिए, बाकी पार्टीज को 1 दिन दिया दिखाने के लिए। तो ये एक इश्यू है जिसको लेकर ये लोग चले गए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लीडर जो थे सारे के सारे जिनको डिटेंशन किया हुआ था, उन लीडरों में से काफ़ी लीडर ने रिफ्यूज़ कर दिया है रिलीज बॉन्ड के ऊपर साइन करने को लेकर। सरकार तो रिलीज करना चाह रही है, अभी ये लोग रिलीज होना चाह नहीं रहे। ठीक है, पता नहीं क्या है, पहले तो अंदर जाना नहीं चाह रहे थे और अभी रिलीज होना नहीं चाह रहे ये लोग। तो काफ़ी लोग हैं इसके अंदर जो कि लीडर्स हैं जो कि उन्होंने रिलीज बॉन्ड को साइन करने से मना करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रिलीज बॉन्ड के अंदर लिखा होता है आपको छोड़ने से पहले कि आपको जो है इतने टाइम तक किसी भी एक्टिविटी में आप शामिल नहीं होगे, अगर शामिल हो गए तो आपके खिलाफ केस चलेगा, आप कोई आंदोलन नहीं करोगे, प्रोटेस्ट नहीं करोगे, ऐसी काफ़ी बातें होती है। तो इन्होंने साइन करने के लिए मना कर दिया। केरला वुमेन है जो कि अफगानिस्तान में पकड़ी गई है दोस्तों, IS की मेंबर थी काफ़ी सालों पहले, 2016 में 30 लोगों के साथ में चली गई थी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हमारे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है सारे राज्यों को स्टेबल बॉन्डिंग को कंट्रोल नहीं कर पाने को लेकर, समझ गए। तो और यहाँ पे एक आसाम के अंदर जो टावल होते हैं ना उसके ऊपर टर्टल को बचाने के लिए मैसेज है जो कि भेजे जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। पेज नंबर 2 की बात करें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो कि है, बिल्कुल ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट को लेकर आपके लिए इंपॉर्टेंट। इतनी सी बात है, आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट कहां पे हुई है, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुई है, समझ गए। 25 से ज्यादा देश है जो कि यहां पे कॉमनवेल्थ वाले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ओके। तो ये भी आपको बात यहां पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, अगले सवाल, अगले चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है यहाँ पे पेज नंबर 8, और साथ में भाई वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी आज तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि हमारे, ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है ये वाली, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये न्यूज़ है कि केरला के कैडर है, IAS ऑफिसर है, केरला कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर है, सुमन इनका नाम है, सुमन बेला। तो ये क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं एज ए डायरेक्टर,
कौन से डिपार्टमेंट के? टेक्निकल कॉर्पोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सिल्क डेवलपमेंट के, समझ गए? तो टेक्निकल कॉर्पोरेशन जो है एंड सिल्क रोड डेवलपमेंट के डायरेक्टर है WTO के अंदर, जो कि बनने जा रहे हैं। आपको मालूम है मैड्रिड के अंदर है, जो कि हेडक्वार्टर है स्पेन के अंदर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अपने पेज नंबर 9, और यहाँ पे दोस्तों फूड सैंपल के बारे में बात करी गई है। इसके यहाँ पे देखेंगे बंगाल के अंदर बाइपोल के अंदर 75% टर्नआउट देखने को मिला है, ये भी काफी ज्यादा है। और इस बार एक और इंपॉर्टेंट न्यूज नीचे वाली है, जो कि प्याज को लेकर है। सबसे पहले तो दोस्तों डेटा रिलीज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना FSSAI, ये क्या है? हमारे देश के फूड सेफ्टी को और स्टैंडर्ड को मेजर करने की एकमात्र बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2006 में, उसके तहत इसको बनाया गया था कि वो रेगुलेट करे हमारे देश की फूड सेफ्टी और रेगुलेशन को। समझिए कैसे चीज़ों को दी जा रही है लोगों को, जनता पे कैसा पहुंच रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूड सैंपल के अंदर अडल्ट्रेशन है, जो कि देखने को मिलता है। दूध के अंदर पानी नहीं, कई जगह तो पानी के अंदर दूध है जो कि डाला जा रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, पब्लिक की हेल्थ को प्रमोट करना, रेगुलेट करना, फूड सेफ्टी का ध्यान रखना, ये पूरा काम FSSAI के ऊपर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन जो है इसकी रीटा करके है, रीता है जो कि अभी इसकी चेयर पर्सन है, समझ गए? 6 रीजनल ऑफिस भी है इसके हर जगह, हर सिटीज के अंदर, और कई छोटे छोटे ऑफिस भी इन्होंने बना रखे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने एक डाटा रिलीज किया और बताया है कि अनसेफ सैंपल, जो फूड के जो सैंपल जहाँ पे अनसेफ है पूरी तरीके से अनसेफ, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अनसेफ फूड है जो कि आपको मिल रहा है। 12% यहाँ पे फूड जो है वो अनसेफ है। मतलब यार अगर आपने 100 बार कुछ खाया है ना तमिलनाडु में, तो 12-13 बार तो आपने अनसेफ फूड खा लिया, बीमार क्यों नहीं पड़ोगे? उसके बाद आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा में 6.7, ये टॉप 5 स्टेट। सब स्टैंडर्ड, यानी कि जिनका स्टैंडर्ड आपने पैसे तो दिए उसके खाने के 100 रुपये के, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो था ना वो 50 रुपये का ही था। ऐसा फूड जो है आपको कहाँ पे मिला है? सबसे ज़्यादा नागालैंड के अंदर 86% जो फूड है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान 22%। ठीक है, तो राजस्थान भी आ चुका है और अब मेरे को भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। सब स्टैंडर्ड सैंपल्स 22%। ठीक है, तो ये यहाँ पे और 1,00,000 सैंपल है जो कि टेस्ट करे गए इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई सैंपल के अंदर कोई 5-10 टेस्ट करे गए हो, 1,00,000 सैंपल है जो कि टेस्ट करे गए। उसके बाद में ये डाटा है जो कि यहाँ पे सामने आया है। लेबलिंग डिफेक्ट, आपको मालूम है ना कि रेड कलर लोगों को लगता है कि नॉन वेज का होता है, लेकिन एक्चुअली वो रेड कलर नहीं होता। किसी भी फूड प्रोडक्ट के पीछे ब्राउन होना चाहिए, वो होता है नॉन वेज। ग्रीन होता है जो कि होता है आपका वेजिटेरियन का, समझ गए? इसी तरीके से डेंजर के भी साइन बने होते हैं, ओके, बाकी सब चीज़ों के भी बने होते हैं, टॉक्सिकिटी के भी साइंस होते हैं। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो कभी अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर लेबलिंग डिफेक्ट है सबसे ज़्यादा देखने को मिले, 18%। जम्मू कश्मीर 17%, और बाकी यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं घर की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा बाहर चटर पटर के अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए और टेस्ट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, समझ गए? और घर पे जो बना हुआ होता है आपका, जो खुद के जो बेसिक फूड होता है ना, ठीक है, वो कंज्यूम करो, सबसे बेस्ट होता है। उसके अंदर आपके अडल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि आजकल आपको मालूम है दाल चीनी सब में आने लग गए, दाल वाल में भी, लेकिन फिर भी कम होती है। 701 लोगों को जो है वो क्रिमिनल केसेस भी उनके ऊपर दायर करे गए हैं। आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि कोई 30 साल पुराना एक दूध में पानी डालने का केस था, ठीक है, और वो जो है फाइनली आदमी को उसको लेकर जो है ना वो पकड़ा गया था, मतलब उसका केस प्रूव हो गया था। वो बेचारा जवानी के टाइम पे उसने डाला था और 30 साल बाद है जो कि उसका केस है जो कि सॉल्व हुआ था, समझ गए? चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक और दोस्तों, आपको मालूम है प्याज के दाम काफी बढ़ गए हैं, तो सेंटर ने क्या किया है, इजिप्ट से दोस्तों प्याज है जो कि मंगवाई है। ठीक है, मुंबई पोर्ट में 1st week of December में पहुंच जाएगी, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 50-60 रुपये केजी जो है वो इसको बेचने को लेकर प्लान है जो कि कर रही है। वो कितना मंगाया गया है भाई, 1.2 लाख टन प्याज है जो कि इस बार मंगवाया गया है। ठीक है, क्योंकि
आसमान चूरिया, आपको मालूम हमारे देश में प्याज के पीछे तो सरकारें गिर जाती हैं। ओके, तो एकदम से क्या हुआ था, मानसून क्या है बाद में एक्टिव हुआ था, है ना, तो एक्सेसिव रेनफॉल हो गई, फ्लड आ गए, उसके वजह से जो है कई जो मेजर स्टेट थे ना जहाँ पे, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वहाँ पे प्याज की जो खेती थी वो खराब हो गई थी। तो उसकी वजह से 26% जो प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर प्याज का जो है वो इस बार कम हो गया था। उसकी वजह से जो है प्राइसेस जो है सप्लाई कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया भाई प्याज के ऊपर, तो क्या हो गया रेट बढ़ गई। देखो 100 रुपये किलो जो है भाई साहब यहाँ पे बोर लगा के बेच रहे हैं, ठीक है, मुंबई में तो 120 रुपये तक मिल रही है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 14, और यहाँ पे दोस्तों हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई। डेमोक्रेटिक जो लीडर्स है उन्होंने यहाँ पे 452 में से 389 सीटें हैं जो कि जीत ली है, और चाइना के जो साथ में जो लीडर थे ना, जो चाइना के साथ में काम करते थे, उनको मात्र 56 सीटें मिली है। तो डेमोक्रेसी की एक और बड़ी जीत है आने वाले दिनों के अंदर। काफ़ी जो ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था हांगकांग के अंदर वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जो कि मानी जा रही है आने वाले दिनों के अंदर। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से और वहाँ पे डेमोक्रेटिक चीज़ें देखने को मिलती है, और क्या हांगकांग एक सेपरेट एंटिटी बन पाता है, नहीं बन पाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पेज नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि एक तो ये वाली न्यूज़ है कि सुभाष चंद्र जो है ना जी एंटरटेनमेंट के जो चेयरमैन थे वो स्टेप डाउन हो गए। इनके यहाँ पे जो कंपनी थी SL, सब ने अपने स्टेक बेच दिए हैं। जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन स्टेप डाउन कर चुके हैं सुभाष चंद्र, और BJP से MP भी बनाए गए थे, ठीक है। और आपको मालूम है जी न्यूज़ आपने देखी होगी, सुधीर चौधरी, ओके, पूरी तरीके से प्रो, एक वन साइडेड जो है वो चैनल चलाते हैं। तो आपको मालूम है इनका जो TRP है वो भी डाउन हो रही है, बाकी चैनल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, और जो इनके मार्केट के अंदर शेयर है वो भी धीरे धीरे नीचे चले गए थे। अभी कुछ टाइम से ऊपर आ गए लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, ठीक है। आपने देखा होगा मतलब जी की हालत जो है ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें दोस्तों तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक अवार्ड को लेकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चेयरमैन है दोस्तों सुंदराम, यहाँ पे फास्टिनिया लिमिटेड के सुरेश कृष्णा, उनको क्वालिटी रत्न अवार्ड से CCI इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी के द्वारा अवार्ड दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है सर्बानंदा गौड़ा, ओके, सदानंद गौड़ा, उन्होंने प्रेजेंट किया है ये अवार्ड मिस्टर कृष्णा को, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस चेयरमैन है दोस्तों, किसके, सनड्रैम के, ठीक है, सनड्रैम, ठीक है, फास्टिनियस लिमिटेड है, सुरेश कृष्णा इनका नाम है। क्वालिटी रत्ना अवार्ड बोलते हैं इसको, ये अवार्ड है जो कि CCI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडीज के द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 18, और यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डेविस कप की न्यूज़ है दोस्तों। स्पेन ने दोस्तों डेविस कप जीत लिया है, ठीक है। स्पेन के राफेल नडाल ने दोस्तों 6th डेविस कप टाइटल जो है कंट्री को जिताया, कनाडा को 2-0 से हरा के फाइनल मैच के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेविस कप के विनर आपसे पूछेंगे तो स्पेन है। 1900 के अंदर डेविस कप की शुरुआत है जो कि हुई थी, USA ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। 2019 का पूछे तो स्पेन आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 20, और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तीन इंडियन है जिनको गोल्डन टारगेट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। और लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन का टाइटल भी जीत लिया है। तो भाई हमारे तीन बड़ी प्लेयर है, अंजुम है एक तो, अपूर्वी है और एला विलेन, ये तीन शूटर जो है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के द्वारा इनको ऑनर किया जा रहा है और नंबर 1 रैंक के ऊपर है जो कि ये पहुंची है, समझ गए। तो इसलिए ये अवार्ड है जो कि दिया जाता है जो बेस्ट एथलीट होते हैं एक साल के एनुअल रैंकिंग के अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ओके। सीजन वाले इवेंट के अंदर तो दिव्यांश सिंह हो गए, सौरभ चौधरी हो गए, इनको भी अवार्ड मिलेगा, और 20 साल की जो एला विलेन है, साथ में मनु, ये अपूर्वी है, साथ में अंजुम है, इनको भी अपनी कैटेगरी के अंदर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर, देख सकते हो आप, ठीक है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, तो इसको आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये स्कूल बनाया गया है ना, और बैम्बू के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से, ओके, जो भी वेस्ट मिला उसके माध्यम से, ताकि मानसून के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको लेकर जो है ये आगा खान का आर्किटेक्चर जो अवार्ड है उससे इस स्कूल को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और ठीक है, बांग्लादेश के सैफ उल हक है जिन्होंने डिज़ाइन किया है इस स्कूल को, ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है द आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट है जो कि इसका नाम है। UP की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इम्यूनाइजेशन कैंपेन,
फिलेरिया के अगेंस्ट। तो फिलेरिया डिजीज है दोस्तों, तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 2021 से इसको देश से हटाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जो है इसको हटाना स्टार्ट किया है, ठीक है, इसके वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। 13 गोल्ड मेडल के साथ में 28 मेडल जीत के नंबर वन पे रहा भारत के अंडर 15 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, जो कि आपको ये कहाँ पे चाइना के अंदर इसको करवाया गया है। कजाकिस्तान ने सेकंड नंबर के ऊपर इसको खत्म किया है। साथ में लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन जीत लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर करवाया जाएगा, नवीन पटनायक जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। इसके अलावा बात करें मणिपुर के सेंगाई फेस्टिवल की, जो कि इम्फाल के अंदर स्टार्ट हो चुका है। साथ में मध्य प्रदेश ने स्पोर्ट्स पर्सन को 5% रिजर्वेशन है जो कि गवर्नमेंट जॉब में देने के लिए ऐलान किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट होंगे स्पोर्ट्स पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 5% रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस है जो कि शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपेंद्र की। उपेंद्र ने दोस्तों एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कुछ दिन पहले SMS हॉस्पिटल में स्किन एलर्जी के होने के कारण ये गए। वहां पे दोस्तों इन्होंने मेडिकल स्टोर पे जब डॉक्टर की पर्ची दिखाई तो 850 रुपए की दवाइयां मिली, लेकिन जब ये किसी दूसरे स्टोर पे जाके जब इन्होंने जेनेरिक दवाइयां ली तो वही दवाई इनको 110 रुपए में मिल गई, ठीक है। तो मैंने काफी टाइम पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इनको याद था उपेंद्र को, तो इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया और जो है 8 times ज्यादा पैसे लग रहे थे लेकिन उन पैसों को बचा लिया। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। जीतू की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 1 T20 मैच खेला है जिसमें 10 रन और 1 विकेट लिए हैं। ये फन फैक्ट है जो कि यहाँ पे जीतू ने भेजा है। दीपक को कॉन्ग्रेचुलेशन, दीपक ने SBI क्लर्क 2019 करंट अफेयर क्लासेस और वाईफाई स्टडी की क्लासेस की वजह से और वो क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। तो दीपक कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप वाईफाई स्टडी की जो टी शर्ट है वो कभी भी जयपुर या दिल्ली ऑफिस में आके लेके जा सकते हैं। साथ में एक और फन फैक्ट दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इसरो 9 साल की लड़की है सिया, उन्होंने दोस्तों एक रॉकेट स्टिपुलेशन ऐप बनाई है और कोडिंग स्किल्स के माध्यम से, और बड़ी बात बताया गया है इन्होंने किसी तरीके से कोई कोचिंग नहीं ली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने ये पूरी जानकारी लेकर इसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना बड़ा रोल है जो कि प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है अनअकैडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। लेना कैसे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी गोल दिख रहे हैं आपके, कोई सा भी एग्जाम आपका गोल हो कहीं पर भी आप भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। आपको 10% ऑफ के साथ सभी क्लासेस जो है सभी सब्जेक्ट की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। उसके बाद में प्लस में जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन में जाएगा, 6 महीने 12 महीने 24 महीने का आपके पास में ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं। डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने SSC का लिया तो CGL CHSL MTS GD CPO सबके अंदर आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। रेफरल कोड के अंदर आपको BHUNESH भुवनेश 10 लगाना है। चलिए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। NSO के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी हैंडपंपों का उपयोग किया जाता है? विधानसभा भारत में पहली बार 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल युवा संसद की मेजबानी कौन कर रहा है? फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है, कौन से देश के अंदर है? किस राज्य सरकार ने नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा करी है? हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शिखर से पुकार किस विषय से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? भारत की सबसे बड़ी जैव प्रौद्योगिकी बैठक किस शहर में आयोजित करी गई है? 11 से 17 साल की वर्ष की आयु के किशोरों की शारीरिक गतिविधि के बारे में रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? भारतीय सेना ने पुंछ लिंक अप दिवस किस तारीख को मनाया? अनीता, जो एक भारतीय मूल की राजनेता है, किस देश की कैबिनेट का हिस्सा बन गई है? अनीता आनंद। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो शुरू करेगा, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।